अब आते हैं साइक्लोट्रॉन पर। आप लोग साइक्लोट्रॉन ठीक से समझ लीजिए, नोट्स आप चाहें तो साथ साथ बना लीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में लिंक दे दिया है, तो आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट इज ड्यूटेरॉन्स टू अ लार्ज काइनेटिक एनर्जी। इस डिवाइस का इन्वेंशन ईओ लॉरेंस एंड एमएस लिविंगस्टन ने 1934 में किया था। कहने का मतलब यह है कि साइक्लोट्रॉन का यूज चार्ज्ड पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन या ड्यूटेरॉन को लार्ज काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट कराने के लिए किया जाता है। इसकी हेल्प से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को तो एक्सेलरेट कराया जा सकता है, बट अकेला न्यूट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कराया जा सकता। पार्टिकल चार्ज्ड होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। देखो बच्चों, अगर हमें किसी चार्ज पार्टिकल को लार्ज वेलोसिटी या लार्ज काइनेटिक एनर्जी तक एक्सेलरेट कराना है तो हम ऐसा कैसे करते हैं? जनरली हम क्या करते हैं कि चार्ज पार्टिकल, मान लो चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू है और मास एम है, तो इस चार्ज पार्टिकल को हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके स्ट्रेट लाइन में मूव कराते हैं। चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई अप्लाई करता रहता है, जिससे चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम से, यहाँ पर एफ की वैल्यू क्यू ई है, तो क्यू ई अपॉन एम से लगातार स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट होता रहता है और उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती रहती। जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल पॉइंट ए पर रेस्ट में है, ये पॉइंट ए है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्यू है वो रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू इज इक्वल टू जीरो यहाँ पर लिख दी। इससे एस डिस्टेंस पर पॉइंट बी है, ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट है। सपोज जब पार्टिकल एक्सेलरेट होकर पॉइंट बी तक पहुंचता है तब इसकी वेलोसिटी वी मैक्स हो जाती है, बी पर पार्टिकल की वेलोसिटी वी मैक्स हो जाती है। सपोज यहाँ ए और बी के बीच ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज ई, देयरफॉर पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई जो होगा वो हो जाएगा क्यू ई, क्यू चार्ज पार्टिकल का चार्ज है पहले बता चुका हूँ। इफ एम इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल देन इट्स एक्सेलरेशन ए विल बी इक्वल टू एफ ई अपॉन एम, और एफ ई की वैल्यू है क्यू ई, तो क्यू ई अपॉन एम। सपोज इट इज योर इक्वेशन नंबर वन। फॉर गिवेन क्यू एंड ई एक्सेलरेशन इज प्रपोर्सनल टू वन अपॉन एम, बट फॉर कॉन्स्टेंट मास एम, अगर एम कॉन्स्टेंट रहे, क्यू ई पहले से ही कॉन्स्टेंट है, अगर एम और कॉन्स्टेंट हो जाए तो एक्सेलरेशन एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो हम अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केस लें जिसमें एम कॉन्स्टेंट रहता है, रिलेटिविस्टिक केस में जो एम होता है वो इक्वेशन एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट नॉन रिलेटिविस्टिक केस हम कंसिडर कर रहे हैं। नॉन रिलेटिविस्टिक केस में एम कॉन्स्टेंट रहता है, तो इस केस में ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। देयरफॉर हम नॉन रिलेटिविस्टिक केस में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखना, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन में ही एप्लीकेबल हैं, ये बात ध्यान रखना। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी की जगह पर पॉइंट बी पर वेलोसिटी हो गई है वी मैक्स, तो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस टू ए एस। जीरो चूंकि पार्टिकल रेस्ट में था इनिशियली, इसलिए यू की जगह जीरो सब्सटीट्यूट कर दिया है। दिस इम्प्लाइज वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। सपोज इट इज योर इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन से जो ए की वैल्यू थी, ए इज इक्वल टू इक्वेशन वन में था क्यू ई अपॉन एम, ये वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट कर दें इक्वेशन सेकेंड में तो हमको मिल जाएगा वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू ई अपॉन एम इन टू एस। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट फॉर गिवन क्यू एंड ई वी मैक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस अपॉन एम, यानी कि वी मैक्स स्क्वायर जो होगा वो डिस्टेंस और मास के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। अब मान लीजिए हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास m1 है और दूसरे का m2 है। दोनों को सेम वेलोसिटी तक एक्सेलरेट कराने के लिए हमें फोर्स क्रमशः s1 एंड s2 डिस्टेंस तक अप्लाई करना पड़ता है, तो वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू ई एस वन अपॉन एम वन इज इक्वल टू टू क्यू ई एस टू अपॉन एम टू।
यहाँ पर दोनों पार्टिकल्स के चार्जेस सेम लिए हैं बट मासेस डिफरेंट हैं। दोनों ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेटेड हैं। अब दोनों साइड से 2qE को कैंसिल कर दीजिए। दिस इम्प्लाइज S1 अपॉन M1 इज इक्वल टू S2 अपॉन M2 और S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। इफ M2 इज ग्रेटर देन M1 देन M2 अपॉन M1 इज ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज S2 अपॉन S1 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि S2 इज ग्रेटर देन S1। इसका मतलब ये है कि हैवियर मासेस के लिए ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। S2 देखिए S1 से ज़्यादा आया है, तो अगर मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिस्टेंस तक एक्सेलरेट कराने के बाद ही सेम वेलोसिटी वो गेन कर पाएगा। इसका मतलब है कि हैवियर मास के लिए डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब है सेम वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग, सेम फाइनल वेलोसिटीज के करस्पॉन्डिंग हैवियर मास ज़्यादा डिस्टेंस अगर ट्रेवल करेगा तो ही वो वेलोसिटी गेन कर पाएगा जितनी की लाइटर पार्टिकल की है। अब अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है। ये लगभग होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, जबकि प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। तो दोनों का अगर रेशियो निकालें हम MP/ME, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.67 × 10⁻²⁷ kg अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³⁷ kg, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1837। ये इतना आ जाएगा MP/ME, इनके मासेस का रेशियो। तो यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा 1837 ME के इक्वल, मतलब 1837 ME के इक्वल मास होगा प्रोटॉन का। इसका मतलब है कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का लगभग 1837 टाइम्स होता है। अब जो इक्वेशन हमने लिखा है S2/S1 = M2/M1, इससे हम कह सकते हैं कि S2 = M2/M1 × S1। अब अगर M1 की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल हो जाए, इसे हम ME लिख दें, M1 = ME, और M2 की वैल्यू एक प्रोटॉन के मास के इक्वल हो जाए, इसे हम लिख दें M2 = MP, देन S2 = MP/ME × S1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया है कि MP की वैल्यू जो होती है 1837 टाइम्स ME होती है, तो लिख दिया 1837 ME/ME, ME कैंसिल कर दीजिए, तो 1837 S1 आ गया। हियर S1 इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड S2 इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोटॉन करेस्पॉन्डिंग टू सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि सेम मैक्सिमम वेलोसिटी के करेस्पॉन्डिंग हमें प्रोटॉन को एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन 1837 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस तक एक्सेलरेट कराना पड़ेगा, जो कि अनरीजनेबल है। यह लेबोरेटरी में स्ट्रेट लाइन पर ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए काफ़ी लार्ज वेलोसिटीज के लिए। तो फिर अब इसका सॉल्यूशन क्या है? साइक्लोट्रॉन इसी प्रॉब्लम का काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। इसमें चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस या यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट कराया जाता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर वापस पीछे की तरफ मोड़ दिया जाता है, फिर से एक्सेलरेट कराया जाता है और फिर से मोड़ा जाता है। यह प्रोसेस हजारों बार रिपीट करके चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी काफ़ी इंक्रीज कर दी जाती है। तो सबसे पहले अब आते हैं साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन में, ये कैसे वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये अब हम यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। तो आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। इस फिगर में मैंने साइक्लोट्रॉन के अंदर के स्पेस का टॉप व्यू दिखाया है। ये दोनों हॉलो डी शेप्ड ऑब्जेक्ट्स कॉपर शीट के बने होते हैं। इनके इसी शेप की वजह से इन्हें डीज बोला जाता है। दोनों डीज यहाँ स्ट्रेट एज पर एक दूसरे से स्मॉल गैप से सेपरेटेड होते हैं। ये डीज ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्टेड होते हैं, इससे इनकी पोलरिटीज ऑल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी से चेंज होती रहती हैं। ये दोनों डीज इस फिगर की तरह एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखे होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जैसा कि इस फिगर में है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेट से प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ इस फिगर में मैंने ये ऊपर और नीचे दो इलेक्ट्रोमैग्नेट शो किए हैं। नीचे वाला नॉर्थ पोल है और ऊपर वाला साउथ पोल है,
जिससे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, और ये मैग्नेटिक फील्ड डीज के प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखिए डीज के प्लेन के परपेंडिकुलरली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल है, नीचे से ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में। अब आते हैं इसकी वर्किंग पर कि ये वर्क कैसे करता है। चूँकि ये डीज ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्टेड हैं, इसलिए इन डीज की पोलरिटीज सोर्स की पोलरिटीज के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। इस वजह से डीज के बीच के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बार बार एक डी से दूसरी तरफ, दूसरे से पहले की तरफ ऐसे पलटती रहती है। देखिए इस फिगर में D1D पॉजिटिव है एंड D2D नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन D1 to D2 है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इस फिगर में देखिए D2 इज पॉजिटिव एंड D1 इज नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पलटकर D2 से D1 की तरफ हो गई है। देख लीजिए, नाउ सपोज एक चार्ज पार्टिकल इस साइक्लोट्रॉन के सेंटर में प्रोड्यूस किया जाता है। यह चार्ज पार्टिकल प्रोटोन या प्रोटोन न्यूट्रॉन कॉम्बिनेशन, दैट इज ड्यूट्रॉन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं लेंगे, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेलरेट नहीं कराया जाता है। मैं अभी बाद में इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स को हम साइक्लोट्रॉन से क्यों नहीं एक्सेलरेट करा सकते। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्रोटॉन हो सकता है या ड्यूट्रॉन हो सकता है। सपोज इस समय D2 की पोलैरिटी पॉजिटिव और D1 की नेगेटिव है, तो डीज के बीच के गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन D2 to D1 होगी। D2 पॉजिटिव है, D1 नेगेटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगी D2 to D1। अब अगर चार्ज्ड पार्टिकल का चार्ज Q है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो चार्ज्ड पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, ये होगा F = QE। तो ये फोर्स हो जाएगा F = QE इस गैप में ऑन चार्ज्ड पार्टिकल Q। इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से चार्ज्ड पार्टिकल का एक्सेलरेशन A हो जाएगा A = F/m। यहां m चार्ज्ड पार्टिकल का मास है, तो F की वैल्यू QE हो गई अपॉन m, तो A हो गया QE/m। और इस एक्सेलरेशन से चार्ज्ड पार्टिकल सामने वाले D की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। सामने वाला कौन सा D है, सामने वाला D है D1, तो D1 की तरफ स्टार्टिंग में इनिशियली वो एक्सेलरेट हो जाएगा। यहां पर m चार्ज पार्टिकल का मास है, इस एक्सेलरेशन की वजह से चार्ज पार्टिकल D1 की ओर मूव करने लगेगा। मान लो यह चार्ज पार्टिकल जैसे ही D1 की स्ट्रेट एज पर पहुंचता है, तो इसकी वेलोसिटी V1 हो जाती है। अब चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी V1 से D1 में स्ट्रेट एज के परपेंडिकुलरली एंटर हो जाता है। यहाँ D1 के भीतर कॉपर वॉल्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, इसलिए चार्ज पार्टिकल पर D1 के भीतर इलेक्ट्रिक फोर्स F = QE 0 हो जाएगा, चूंकि E0 है। यानी कि D1 के भीतर चार्ज पार्टिकल पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होगा। देखो बेटा, आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट में ये चीज़ बताई गई होगी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मेटल बॉक्स के भीतर होता है, तो उसके अंदर उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता। मेटल बॉक्स की जो वॉल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड करती हैं, उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसलिए उसके भीतर चार्ज पार्टिकल पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने लिया है कि चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स F जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से D इसके भीतर 0 होगा, क्योंकि D जो बनी है वो कॉपर शीट की बनी है और कॉपर एक कंडक्टिंग मटेरियल है। तो कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए बॉक्स के भीतर जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता था, वैसे ही यहां पर भी कॉपर वॉल की बनी हुई डीज के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर नहीं होगा। लेकिन यहां इस फिगर के अकॉर्डिंग इस डी में डी के प्लेन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। चूंकि यह मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए D1 में चार्ज्ड पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स F = QV1×B लगने लगता है, जिसकी डायरेक्शन V1×B की डायरेक्शन में होती है, यानी कि V1 और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाता है।
अब चूंकि चार्ज्ड पार्टिकल डी वन की स्ट्रेट एच के परपेंडिकुलरली इंटर हुआ है, तो ड्यू टू सिमेट्री डी वन से बाहर निकलते समय भी चार्ज्ड पार्टिकल के वेलोसिटी की डायरेक्शन इस स्ट्रेट एच के परपेंडिकुलरली ही होगी। कहने का मतलब है कि डी वन के भीतर चार्ज्ड पार्टिकल एक सेमी सर्किल कंप्लीट करेगा। डी वन के भीतर चार्ज्ड पार्टिकल के सर्कुलर पाथ की रेडियस आर वन जो होगी वो हो जाएगी एम वी वन अपॉन क्यू बी, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो वही फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हमने लिख दिया है आर वन इज इक्वल टू एम वी वन अपॉन क्यू बी। सपोज इट इज योर इक्वेशन वन। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल डी वन के स्ट्रेट एच के परपेंडिकुलरली बाहर गैप में आता है तो डी की पोलरिटीज फिर से रिवर्स हो जाती हैं, जिससे इस बार D1 की पोलरिटी पॉजिटिव और D2 की नेगेटिव हो जाती है। अब इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यू डायरेक्शन D1 से D2 की तरफ हो जाती है। पहले यह थी D2 से D1 की तरफ, अब हो गई है D1 से D2 की तरफ। तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज्ड पार्टिकल पर फिर से अपनी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है और चार्ज्ड पार्टिकल फिर से सेम एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम से सामने वाले डी डी टू की तरफ स्ट्रेट एज के परपेंडिकुलरली एक्सलरेट होने लगता है, जिससे गैप में चार्ज्ड पार्टिकल डी वन से डी टू तक इन स्ट्रेट एजेस के परपेंडिकुलरली स्ट्रेट लाइन में एक्सलरेट होकर डी टू पर नई वेलोसिटी वी टू से पहुंचता है। यहां वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, ये ध्यान रखना, क्योंकि वी वन से तो पहले डी से बाहर ही निकला है और वहां से फिर एक्सलरेट हुआ है, अब एक्सलरेट होकर इसके वेलोसिटी वी टू हुई है। तो इसका मतलब है कि वी टू इज ग्रेटर देन वी वन। अब यह चार्ज पार्टिकल D2 की स्ट्रेट H के परपेंडिकुलरली इस वेलोसिटी V2 से इस D में इंटर हो जाता है। इस D के भीतर भी पहले की तरह E इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि ये भी कॉपर वॉल से बनी हुई है, तो इसके भीतर चार्ज पार्टिकल पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, जबकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से चार्ज्ड पार्टिकल का मोशन फिर से सेमी सर्कुलर हो जाएगा। इस सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस इस नए डी डी टू में, अब तो इसमें सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस आर टू हो जाएगी एम वी टू अपॉन क्यू बी। सपोज इट इज योर इक्वेशन टू। सिंस वी टू इज ग्रेटर देन वी वन, देयर फोर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आर टू विल बी ग्रेटर देन आर वन। अब चार्ज पार्टिकल डी डी टू में पहले से ज़्यादा रेडियस दैट इज आर टू रेडियस का सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके जैसे ही फिर से डी टू के स्ट्रेट एच के परपेंडिकुलरली वी टू स्पीड से बाहर निकलता है तो डी की पोलरिटी फिर से रिवर्स्ड हो जाती है। इस बार डी वन की पोलरिटी नेगेटिव और डी टू की पॉजिटिव हो जाती है और फिर से चार्ज्ड पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा और इसकी स्पीड फिर से बढ़ेगी, जिससे सामने वाले डी के भीतर इसके सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस फिर से बढ़ेगी। यह प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, जिससे चार्ज पार्टिकल स्पाइरल्ड पाथ पर बार बार एक्सेलरेट होता रहता है। चूंकि R1 से R2 ज़्यादा है, फिर अब नेक्स्ट D में जब जाएगा तो फिर से उसकी रेडियस बढ़ेगी, फिर नेक्स्ट D में जाएगा तो फिर से रेडियस बढ़ेगी, तो बार बार रेडियस बढ़ेगी तो वो केवल एक ही सर्कुलर पाथ पे थोड़ी ट्रेवल करेगा, उसका पाथ स्पाइरल्ड हो जाएगा। तो अब इस तरह स्पाइरल्ड पाथ पर एक्सेलरेट होते हुए चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जाएंगी और सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी हो जाने पर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की हेल्प से चार्ज पार्टिकल को डी के बाहर निकाल लिया जाता है। अब आते हैं साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों, ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है कैपिटल टी इज इक्वल टू टू पाई एम अपॉन क्यू बी। सपोज इट इज़ योर इक्वेशन थ्री। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगी वन अपॉन टी और ये हो जाएगा क्यू बी अपॉन टू पाई एम, इसका उल्टा हो जाएगा। सपोज इट इज़ योर इक्वेशन थ्री वन, ऐसे कर दिया थ्री फर्स्ट क्लिक दिया रोमन में। यह टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी नहीं आया है, जबकि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो आर होता है वो एम वी अपॉन क्यू बी होता है। सपोज ये इक्वेशन फोर है और ये वी पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी वी के प्रोपोर्शनल है रेडियस। अब प्रत्येक डी में चार्ज्ड पार्टिकल कंप्लीट सर्किल ना कवर करके केवल सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है, तो हर एक डी के भीतर
ये चार्ज पार्टिकल अगर स्मॉल टी टाइम तक रहता है तो स्मॉल टी हो जाएगा कैपिटल टी अपॉन टू, टाइम पीरियड का हाफ, यानी कि हाफ टाइम पीरियड तक ये चार्ज पार्टिकल पहले डी वन के भीतर होगा, फिर नेक्स्ट टाइम D2 के भीतर होगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ टाइम पीरियड D1 में होगा और नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड D2 में होगा, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है और यहाँ M, Q और B ये तीनों बदल नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि हाफ टाइम पीरियड D1 में होगा और हाफ टाइम पीरियड D2 में होगा। और इस चार्ज्ड पार्टिकल का टाइम पीरियड इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग T=2πm/qb होगा, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी f जो होगी वो हो जाएगी 1/T और ये हो जाएगा qb/2πm, ठीक, इतना ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अप्लाइड ऑसिलेटिंग एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी की जिससे डीज कनेक्टेड है। सपोज अप्लाइड एसी सिग्नल का टाइम पीरियड T- है और इसका इक्वेशन है V=V sin ωt। यहाँ पर कैपिटल V जो है ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड है और स्मॉल V जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। चूंकि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2π/T-, तो हो जाएगा हमारे पास V=V sin 2π/T·t। इसका पोटेंशियल टाइम ग्राफ जो होगा वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बनेगा, ये साइन वेव है ना, तो इस तरीके से बन जाएगा। देखिए इस एक्सिस पे हमने वोल्टेज लिया है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इस एक्सिस पे हमने स्मॉल टी टाइम लिया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम T- हो जाएगा एक टाइम पीरियड ऑसिलेटिंग सोर्स का, फिर यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट टाइम पीरियड हो जाएगा मतलब 2T- हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमारे पास T·2 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास T·2 से लेकर T- हो जाएगा। तो ये एक साइन ग्राफ है जिसका टाइम पीरियड T- है। ग्राफ में टी एक्सिस के ऊपर वोल्टेज जो है वो पॉजिटिव है जबकि नीचे वोल्टेज नेगेटिव है। ग्राफ से क्लियर है कि फर्स्ट हाफ साइकिल दैट इज अप टू T·2 टाइम सिग्नल इज पॉजिटिव एंड फ्रॉम T·2 to T- द सिग्नल इज नेगेटिव। देखिए ये T·2 से T- तक सिग्नल नेगेटिव है और 0 से T·2 तक सिग्नल पॉजिटिव है। अब चार्ज पार्टिकल किसी भी डी के भीतर केवल हाफ टाइम पीरियड दैट इज कैपिटल T/2 टाइम तक रहता है और इस दौरान डी की पोलारिटीज चेंज नहीं होती, यानी कि सिग्नल की पोलारिटीज नहीं बदलती है। वैसे सिग्नल कितनी देर बाद पोलारिटीज रिवर्स कर रहा है, देखिए इस डायग्राम में ये टाइम T·2 है, देखिए तो 0 to T·2 सिग्नल इज पॉजिटिव, T·2 to T- सिग्नल इज नेगेटिव एंड सो ऑन। तो इसका मतलब हुआ कि स्मॉल टी जो कैपिटल T/2 आया था उसकी वैल्यू हो जाएगी T·2 के, दिस इम्प्लाइज T=T-, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड था उतना ही टाइम पीरियड इस एसी सिग्नल का भी है। तो इफ स्मॉल f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड FOSC इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का मतलब ये है कि जो सिग्नल को ऑसिलेट करा रहा है जो एसी सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी, इफ f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड FOSC इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, देन T=1/f और T- हो जाएगा 1/FOSC। अब चूंकि T=T-, therefore 1/f=1/FOSC, दिस इंप्लाइज F=FOSC, मतलब फ्रीक्वेंसी जो चार्ज पार्टिकल की होगी वो सेम फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की भी होगी, एसी सिग्नल की भी वही फ्रीक्वेंसी होगी जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल इंडीज के भीतर रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। यहाँ पर एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज फिक्स्ड बट एफ डिपेंड्स ऑन बी, सिंस F=1/T=QB/2πm, तो एफ जो है वो बी पर डिपेंड करता है, ठीक, तो एफ बी पर डिपेंड करता है जबकि FOSC इज फिक्स्ड। तो चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के इक्वल करने के लिए हम बी को तब तक चेंज करते रहते हैं जब तक कि
एफ की वैल्यू एफ ओ एस सी के बराबर नहीं हो जाती। इसका मतलब बी को ट्यून करके हम एफ की वैल्यू को घटाते बढ़ाते रहते हैं, वो इतनी कर देंगे कि एग्जैक्टली एफ ओ एस सी के बराबर हो जाए। एक बार हम ऐसा सेट कर देंगे और बी की जिस वैल्यू के लिए एफ की वैल्यू एफ ओ एस सी के बराबर हो जाती है, बी को उसी वैल्यू पर फिक्स कर दीजिए। इन दिस कंडीशन एफ विल बी इक्वल टू एफ ओ एस सी, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन टू पाई एम। चूंकि दोनों फ्रीक्वेंसीज इस केस में एग्जैक्टली इक्वल हैं, तो ये कंडीशन रेजोनेंस की कंडीशन कही जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। यहां हमने चार्ज पार्टिकल का मास कॉन्स्टेंट माना हुआ है, यानी कि स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल शुड बी नॉन रिलेटिविस्टिक, अदरवाइज m चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिलेशन m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वेलोसिटी v रिलेटिविस्टिक हो जाने पर जैसे जैसे v इंक्रीज होगी, चार्ज पार्टिकल का मास m भी इंक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन टू पाई m डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि m डिनोमिनेटर में है। जबकि ऑसिलेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड होती है, तो f को फिक्स्ड रहना चाहिए अगर मैचिंग करानी है हमको, और इसमें बिल्कुल मैचिंग स्टेट में होते हैं, f बिल्कुल मैच करता हुआ होता है f ऑसिलेटर से, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल। तो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटिंग सोर्स के साथ रेजोनेंस में नहीं रह पाएगा, m चेंज होगा तो f चेंज हो जाएगा, और चार्ज पार्टिकल जो ऑसिलेटिंग सोर्स है उसके साथ रेजोनेंस में नहीं रह पाएगा, मतलब दोनों के फ्रीक्वेंसीज इक्वल नहीं रह पाएंगी। तो साइक्लोट्रॉन नॉन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज से मूव करने वाले पार्टिकल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसे हम रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करने वाले पार्टिकल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, केवल उन्हीं के लिए यूज़ कर सकते हैं जो पार्टिकल्स नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव करते हैं, जिनके लिए हम न्यूटनियन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, जिनको हम मान सकते हैं कि इन पार्टिकल्स के लिए m कांस्टेंट बना रहेगा, m वैरी ना करे। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल विद इन द साइक्लोट्रॉन। सपोज एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विद इन द साइक्लोट्रॉन इज v एंड इट्स मास इज स्मॉल m, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय k इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। इफ एट दिस टाइम द पार्टिकल हैज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ स्मॉल r, देन r क्या होगा, आर तो होता है एम वी अपॉन क्यू बी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो दिस इंप्लाइज वी इज इक्वल टू आर क्यू बी अपॉन एम, देयर फोर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें हाफ एम वी स्क्वायर में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम, वी की वैल्यू कितनी आई, यही आर क्यू बी अपॉन एम, तो रख दीजिए आर क्यू बी अपॉन एम इसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू एम। तो इस तरह अगर हमें चार्ज पार्टिकल का चार्ज q, मास m, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड b एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ r पता हो, तो हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशंस पर। तो लिमिटेशंस, मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ डीज इज वेरी डिफिकल्ट। चूंकि डीज का एरिया काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेडियस तक के सर्कुलर पाथ पे हमें रिवॉल्व कराना पड़ता है, पार्टिकल को सर्कुलेट कराना पड़ता है, तो डीज का एरिया भी ज़्यादा लेना पड़ता है, तो इस ज़्यादा बड़े एरिया में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो पहली लिमिटेशन है कि बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटीज़ हम यहाँ से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर वेरी हाई वेलोसिटीज़ प्रोड्यूस करनी है तो साइक्लोट्रॉन से हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा देर तक हमें उस चार्ज पार्टिकल को इसी के अंदर सर्कुलेट कराना पड़ेगा, तो ज़्यादा एरिया चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है साइक्लोट्रॉन में। सेकेंड लिमिटेशन इज साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इसमें चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है ना दोनों डीज के बीच क्यूई। अब चूंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा, तो ये एक्सेलरेट ही नहीं होगा, मूव ही नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये रेस्ट में अगर आपने प्रोड्यूस किया तो वैसे ही रेस्ट पे वहीं पे रुका रहेगा, ये मूव ही नहीं करेगा, क्यूवी इस पर जीरो होगा, एफ इज इक्वल टू क्यूवी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा बीच में। तो सेंट्रल पे एक बार प्रोड्यूस किया आपने न्यूट्रॉन तो वहीं रहेगा, तो इसको न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। थर्ड लिमिटेशन है एट वेरी हाई वेलोसिटीज रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल अपसेट्स द रेजोनेंस कंडीशन। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स
m की वैल्यू होती है m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ेगी, जिससे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू घटेगी, क्योंकि 1 में ज़्यादा बड़ी वैल्यू अब डिक्रीज होगी तो ये घट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट भी घटेगा। और m जो है वो है m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर घटेगा तो फिर m की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पर m नॉट पार्टिकल का रेस्ट मास है, यानी कि जब पार्टिकल रेस्ट में है तब इसका मास m नॉट है, तो m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। एज फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय f इज इक्वल टू qb अपॉन 2 पाई m, दिस इम्प्लाइज f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m इफ q एंड b आर कांस्टेंट। तो अब वेलोसिटी के साथ मास बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहने की बजाय घटेगी, जिससे f की वैल्यू एफ ओ एस सी के इक्वल नहीं रह पाएगी। एफ ओ एस सी अभी बताया मैंने क्या है, यह है ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी, एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, तो उसके बराबर नहीं रह पाएगी एफ की वैल्यू, एफ चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है, और रेजोनेंस कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो अभी आपको समझाया गया है कि जैसे ही पार्टिकल एक डी से बाहर निकलता है वैसे ही पोलारिटीज चेंज हो जाती हैं, ये सारी मैचिंग अपसेट हो जाएंगी। दिस इज द रीजन Why cyclotron cannot be used to accelerate charged particles to relativistic speeds? एक और भी रीजन है, इसका एरिया भी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट वेरी लाइट पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। क्यों क्यों नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स को इससे एक्सेलरेट? अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते, इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बताया था ना। तो क्यों नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स को साइक्लोट्रॉन की हेल्प से एक्सेलरेट? देखो बच्चों, डीज के बीच गैप में जो चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो मास पर इंडिपेंडेंट होता है, वो केवल चार्ज क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर डिपेंड करता है। ये फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, देखिए मास इसमें नहीं आया। अब अगर पार्टिकल का मास एम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ अपॉन एम, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ए हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम के इक्वल। अगर एम काफ़ी स्मॉल होगा तो ए काफ़ी लार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से डीज के बीच जब पार्टिकल मूव करेगा, बीच का जो गैप है इसमें जब पार्टिकल मूव करेगा तो 1D से अदर तक स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करने के बाद उसकी स्पीड v दी जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से। यहाँ s दोनों d's के बीच की स्पेसिंग है। लार्ज a की वजह से v स्क्वायर की वैल्यू कुछ ही साइकिल्स के बाद काफ़ी अधिक हो जाएगी, जिससे पार्टिकल का मास रिलेटिविस्टिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैरी कराने लगेगा और चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगेगी, जिससे रेजोनेंस अपसेट हो जाएगा। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स को साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट नहीं कराया जा सकता, बिकॉज इसका मास काफ़ी कम, 9.1 × 10⁻³¹ kg होता है। तो इसका मास इतना कम है कि इसका एक्सेलरेशन काफ़ी लार्ज हो जाएगा और लार्ज एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक हो जाएगी कुछ ही साइकिल्स में। यहाँ एक बात और मैं क्लियर कर दूँ कि डीज के बीच गैप काफ़ी स्मॉल होना चाहिए, बिकॉज जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वो डीज के भीतर सर्किल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड है, यहाँ बाहर गैप में जो टाइम लगता है उसे नेगलेक्ट कर दिया गया है। अगर गैप बड़ा होगा तो इसे नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, समझ गए बच्चों। तो इस तरह आपका साइक्लोट्रॉन कंप्लीट हो गया। आप नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। फिजिक्स के और अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।